लोकसभा क्षेत्र बीकानेर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव अब अंतिम पड़ाव की ओर है। लोकसभा प्रत्याशी और उनके समर्थक जोर शोर से चुनावी मैदान में जनता को रिझाने में लगे हैं। वहीं भाजपा से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर तीसरी बार भरोसा जताया गया है। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए भाजपा कार्यालय घड़साना में समर्थकों का जोश और जुनून साफ नजर आया। देखिए एक खास रिपोर्ट। तो हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में, जहां हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष किशन जी दुग्गल। तो रूपड़ विधानसभा की जो चुनावी जो जिम्मेदारी है वो इनको सौंपी गई है, तो आइए जानते हैं इनसे। अभी जो मुकाबला है आपका कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला चल रहा है और दोनों पक्ष लगातार मजबूती के साथ फील्ड में है, तो आप अपनी भाजपा पार्टी के बारे में इस मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस के साथ हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमारे मुकाबले में कहीं भी ठहरती नहीं है। पूरे देश ने अपना मानस बना लिया है कि मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर वोटर यही कह रहा है कि वोट मोदी को देना है। इस बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की सीट की, तो ये एक ऐसी सीट है जो पूरे राजस्थान को प्रभावित करती है, जिस प्रकार से अर्जुन राम मेघवाल जी का कहते हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, इस सरकार को देखते हुए आपको क्या इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा या क्या उतार चढ़ाव देंगे? सरकार तो बनते ही फेल हो चुकी है कांग्रेस की। हमारे जो मंत्री जी हैं वो हमारी समस्याओं को केंद्र सरकार के आगे उठाते हैं और उनका हाथों हाथ हल करवाते हैं। ये भारतमाला रोड भी मंत्री जी की देन है। अभी हमारे ऊपर संकट आया था, कणक की खरीद बंद हो गई थी, मंत्री जी ने पासवान जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री को कह के, और ये हमें जो परमिशन दिलाई है, पूरे किसान, मजदूर, व्यापारी पूरे के पूरे मंत्री जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पूरे राजस्थान के व्यापारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अभी करे तो क्या इसमें कोई पार्टीबाजी है या फिर मतलब ये कैसे कह सकते हो कि सारे के सारे जो व्यापारी है उनका रुझान भाजपा की तरफ रहेगा? क्योंकि हर आदमी इस देश का रहने वाला है और अपने देश को बचाने के लिए, देश की तरक्की को बढ़ाने के लिए सब लोग, सब व्यापारी मोदी के साथ हैं। इस धरातल पर इस समय क्या स्थिति है आपकी पार्टी? इस चुनाव में लगभग जहां तक मैं गया हूं, जितने भी सरपंच हैं उन्होंने मानस बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाना है। जैसा कहते हैं कि सरपंच की पार्टी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं अगर देश के हित निर्माण के लिए पार्टी बनना पड़े तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। मेरा परिवार पुराना बीजेपी का है, रहेगा और पार्टी के लिए काम करता रहेगा। समय होता है, लोकतंत्र तरीका है, लेकिन जिनकी सोच कम होती है, कम विचार वाले होते हैं, वो विचलित होके चले जाते हैं, लेकिन वोट उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, बीजेपी के पक्ष में दिया। अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बार जो अनुपूर्ण विधानसभा के अगर सरपंचों की बात करें या सरपंच प्रतिनिधियों की बात करें तो वो पूर्ण रूप मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर 100% की अपनी क्षमता माने तो 80% सरपंच इस बार बीजेपी के साथ रहेंगे और प्रचार भी कर रहे हैं बीजेपी वोट के लिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की देनी है, तो जो माला मोदी जी के उसमें एक मोती बीकानेर से है, हम उसे दोबारा तराश के उस माला में पहुंचाएंगे और कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए।